महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शनिवार को नगर निगम सदन की वर्चुअल बैठक जूम ऐप के माध्यम से आहूत की गई। निर्धारित एजेंडा के अनुसार महापौर के निर्देशानुसार नगर आयुक्त द्वारा बैठक प्रारंभ की गई। इस दौरान नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा गया कि कोविड-19 के कारण सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सदन की बैठक जूम ऐप के माध्यम से प्रारंभ की जाती है। यह कहना उचित होगा कि नगर निगम के इतिहास में इस प्रकार के सदन की यह पहली बैठक है जो वर्चुअल बैठक जूम ऐप के माध्यम से हो रही है। एजेंडे के अनुसार बैठक प्रारंभ की जाती है। वहीं बैठक में अजय राय उपसभापति द्वारा प्रस्ताव लाया गया कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और हमारे पार्षदगणों का आकस्मिक निधन हो गया है, इसलिए पूर्व की परंपरा के अनुसार शोक प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान महापौर द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर शोक प्रस्ताव पारित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक में पार्षद सहित अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, संयुक्त नगर आयुक्त अवीन्द्र कुमार, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य अभियंता सुरेश चंद, सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक हुबई चौहान, लेखाधिकारी अमरेश बहादुर पाल, कंप्यूटर प्रोग्रामर RKL श्रीवास्तव, महापौर KPA मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी, नगर आयुक्त PA राम नरेश नागवंशी, सहायक प्रोग्राम जावेद अनवर सिद्दीकी, कार्यालय अधीक्षक पवन मिश्रा आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, आज आपको नहीं चलेगा, आप नहीं है। नमस्कार सर, आपका नहीं है। नमस्कार जी, कहाँ किसी पे वाद का भी विकास दिखा दिया जाए क्या? तब रहेंगे उसको नमस्कार। इस बैठक में आपका स्वागत करते हुए माननीय महापौर जी की अनुमति से बैठक की कार्रवाई आरंभ की जाती है। चूंकि स्क्रीन पर कुल इस समय 53 लोग जुड़ चुके हैं, तो जाहिर है कि इस बैठक के लिए कोरम पूर्ण है, इसलिए बैठक की कार्रवाई आरंभ की जाती है। माननीय उपसभापति जी को कोई प्रस्ताव ले आना है तो माननीय महापौर जी की अनुमति से मैं माननीय उपसभापति जी से चाहूँगा कि वे प्रस्ताव प्रस्तुत करें। माननीय महापौर जी का, सभी सम्मानित पार्षदगण का और समस्त अधिकारी और कर्मचारियों का स्वागत करते हैं इस वर्चुअल बैठक में। और जैसा कि नगर आयुक्त ने बताया है कि नगर निगम के इतिहास में, गोरखपुर नगर निगम के इतिहास में तो है ही है, और उत्तर प्रदेश या किसी भी नगर निगम के इतिहास में यह पहली बैठक ऐसी होगी, वर्चुअल बैठक। इस वर्चुअल बैठक में हम सारे सदस्यों का, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और बैठक शुरू करने से पूर्व की बैठक हमारी, ये मार्च में बैठक होने के करीब 6 महीने बाद ये बैठक हो रही है। निगम नगर निगम सदन की बैठक इसके पूर्व में मार्च में हुई थी 3 तारीख को, और आज उसके बाद लगभग 6 माह बाद ये बैठक हो रही है। और बीच में जिस कारण ये बैठक हुई वर्चुअल, आप सब जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण ये बैठक कई महीनों तक नहीं हुई, और इस दरमियान आप सब लोग, सारे लोग इस महामारी से लड़े हैं, उसमें चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे नगर निगम के कर्मचारी हों, चाहे डॉक्टर्स हों या पैरा मेडिकल स्टाफ हो। इसके साथ साथ हमको इस बैठक में ये भी बताना है कि इस कोरोना महामारी में लड़ने के लिए सबसे अहम भूमिका जो कोरोना वायरस के रूप में जाती है वो हमारे माननीय पार्षदगण हो जाती है। उसमें माननीय सभी पार्षदगण ने इस पूरे महामारी के दरमियान बहुत ही जी जान से हर स्तर तक की लड़ाई इस कोरोना महामारी से लड़ी है। तो इसी महामारी से लड़ते हुए हमको 6 महीना हो गया है और बहुत कुछ हद तक काबू में भी है। और इस बैठक के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्व पार्षद, 4 पूर्व पार्षद और 1 पूर्व राष्ट्रपति जी का देहांत हो गया है इस 6 महीने के दरमियान। इसमें हमारे नगर निगम अपने सदन के को बताना चाहते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति हमारे भारत सरकार के प्रणब मुखर्जी का देहांत हो चुका है, जो 31/8/2020 को हुआ।
और हमारे पूर्व पार्षद मोतीलाल चौरसिया जी, इनका निधन 13/11/2019 को हुआ। श्री अनिल कुमार गुप्ता जी का आकस्मिक निधन 17/8/2020 को हुआ। श्री अजय सिंह का निधन दिनांक 15/9/2020 को हुआ तथा श्री हीरा निशा जी का निधन 21/9/2020 को हुआ। इस चार पूर्व पार्षद और एक पूर्व राष्ट्रपति के निधन के इस बैठक में उनके निधन पर हम लोग शोक प्रस्ताव लाना चाहते हैं कि उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करें। हम माननीय महापौर जी से यह अनुरोध करते हैं कि सदन में शोक प्रस्ताव लाएं, उसके बाद बैठक को समाप्त और 2 मिनट का मौन रखते हुए शोक प्रस्ताव लिया। 2 मिनट का मौन रखेंगे सभी माननीय पार्षद। हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी का निधन दिनांक 31/8/2020 को हो गया। नगर निगम गोरखपुर के माननीय पूर्व पार्षदगण श्री मोतीलाल चौरसिया का आकस्मिक निधन दिनांक 13/11/2019 को, श्री अनिल कुमार गुप्ता का आकस्मिक निधन दिनांक 17/8/2020 को, अजय सिंह का आकस्मिक निधन दिनांक 15/9/2020 तथा हीराराम निषाद जी का आकस्मिक निधन दिनांक 21/9/2020 को हो गया। नगर निगम के माननीय पार्षदगण समेत अधिकारी और कर्मचारी शोक प्रस्ताव को पारित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा की शांति मिले और सब संतप्त परिवार को इस अपार दुख को समाप्त करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करें। हमारे यहाँ जो हाल है उसमें बैठने की कम स्पेस है, जिसके कारण आपके पार्षदों से बात विचार करके हम लोगों ने वर्चुअल बोर्ड की बैठक कराई है। ये गोरखपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी भी नगर निगम की वर्चुअल बोर्ड की बैठक पहली बार हुई है। इसमें हमारा उद्देश्य था कि जो हमारे राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी जी, हमारे पूर्व पार्षद मोतीलाल चौरसिया जी और श्री अनिल कुमार गुप्ता जी, श्री अजय सिंह जी और श्री हीरा निषाद जी का निधन हो गया है, तो इसमें हम लोग इनको सम्मान देने के लिए इनको हम लोगों ने शोक प्रस्ताव हमारे सम्मानित पार्षदों की उपस्थिति में किया है
और इसमें हमारे अधिकांश पार्षद इससे जुड़े रहे हैं और एक संदेश दिया है कि जो भी हमारा परिवार है उसके प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। एक एक मीटिंग हुई है और मैंने सभी अपने पार्षदों को, उपसभापति जी ने, हमारे नगर आयुक्त महोदय ने, हमारे नगर निगम के सभी अधिकारियों ने, जो कोरोना काल में अपने की परवाह किए बिना जनता का जो सेवा किए, इसकी तारीफ पूरे प्रदेश में हुई। योगी जी ने भी किया, मोदी जी ने भी किया और इससे हम लोगों का सीना काफ़ी चौड़ा हुआ और काम करने की प्रेरणा मिली। और एक काम हमारे पार्षदों ने, हमारे अधिकारियों ने किया है कि जरूरतमंदों तक जो जरूरत थी लोगों को, जनता को, खाना, राशन, पानी, दवा, अपने अपने स्तर से पार्षदों ने कमेटी बनाकर अपने अपने वार्ड में किया है, इसके लिए भी मैंने उन्हें धन्यवाद दिया है और आगे भी हम उन लोगों को भी सम्मानित करेंगे जो लोगों ने बहुत अच्छा किया है। तो इसीलिए आज ये वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई थी। अगली बैठक पार्षदों की सलाह से हम किसी बड़े जगह पर कराएंगे।